हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। अब आज क्या है कि पूरी फैमिली को जाना था वेडिंग में, तो इसी वजह से जो है कुछ खा के ही जाना था। तो मैंने क्या किया, चना दाल एक दिन पहले भिगो दिया था और मिक्सर में ग्राइंड हो गया सारे चने दाल। और उसमें मैंने क्या क्या डाला है, 4 हरे मिर्च डाले, 2 हरे वाले लहसुन है, साबुत धनिया है, जीरा है। ये देखिए हस्बैंड जल्दी जल्दी उसको क्या कर रहे हैं, ग्राइंड कर रहे हैं। मैं कुछ काफ़ी भिगो दी थी तो ये सोची थी कि थोड़ा सा टिफिन में भी रख लूँगी, 2-4 बच्चे अगर रास्ते में मांगी। चने का दाल ही होता है कि काफ़ी देर तक पेट भरा भरा दिखता है और ये स्वास्थ्य के लिए फायदेमंद भी होता है, हानिकारक नहीं होता। चने का दाल बहुत फायदेमंद होता है, इसकी पकौड़ी बहुत टेस्टी लगती है। मैंने नमक स्वाद अनुसार डाल दिया और बस हल्दी और डालना है, 1.5 चम्मच हल्दी डाल देंगे क्योंकि दाल की क्वांटिटी थोड़ी ज़्यादा है तो उसके हिसाब से हल्दी भी डाल देंगे। इन सारी चीज़ों को डालने के बाद इसको मिक्स कर देंगे। अब मैंने क्या किया, गैस पे कढ़ाई चढ़ा दी हूँ और कढ़ाई जो है गरम हो रहा है। फिर क्या करूँगी, जो मैंने दाल में डाले हुए थे सारी चीज़ें उसको अच्छे से मिक्सअप कर दूँगी कि सारी चीज़ें नमक और हल्दी चारों तरफ मिक्स हो जाए, जितने दाल में हैं सब जगह बराबर हो जाए। उसको अच्छे से मिक्सअप करने के बाद फिर मैं कढ़ाई में इसको एक एक करके छान दूँगी। बात यह है कि ये जो सफ़र के लिए बहुत अच्छा भी लगता है और बहुत जल्दी बन भी जाता है, बस पीसने में जितना टाइम लगे उतना बस लगता है और बहुत ही टेस्टी लगता है। ये सॉफ्ट भी जल्दी नहीं होता, हमेशा कुरकुरे टाइप का लगता है। इसको एक हिसाब से बहुत सारे लोग हमारे वहाँ यहाँ पे ससुराल में इसको कचरी कहते हैं, हमारे मायके में इसको दाल का पकौड़ा कहते हैं। तो जहाँ जहाँ जो जैसे लोग हैं आपके वहाँ क्या कहा जाता है तो ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। तो मैं भी कंफ्यूज हो जाती हूँ कि लोग मतलब ससुराल में ये कहते हैं, वहाँ पे वो कहते हैं, तो अलग अलग जगह अलग अलग नाम होता है, अलग अलग तरीके से बनाया जाता है। हमारे वहाँ क्या होता है, मैके में ये चने की दाल में थोड़ी सी प्याज काट के डाल दी जाती है। यहाँ पे ऐसे ही चाहे तो ऐसे भी बना सकते हैं, नहीं तो इसमें प्याज काट के डाल सकते हैं। ऐसे डाल के बनाएंगे तो और भी टेस्टी लगेगा, बट मैंने ऐसे ही बना लिया। और एक एक करके सारे पकौड़े को छान लूँगी और सभी को दे दूँगी और चाय के साथ सब लोग खा लेंगे। उसके बाद फिर चलेंगे हम लोग शादी में, शादी को एंजॉय करेंगे। यहाँ से 150 किलोमीटर दूरी पे है शादी, तो खास रिलेशन में है तो इसीलिए सब पूरी फैमिली को इनवाइट किया गया है, तो जाना ज़रूरी भी है। तो जल्दी जल्दी इसको भी कर लेते हैं और एक एक करके सारे पकौड़े को छान लेते हैं। पकौड़े बहुत ही क्रिस्पी पकौड़े बनते हैं चने के, तो आप लोग ज़रूर ट्राई करिएगा, अब बहुत ही टेस्टी लगता है। अभी पकौड़ा रेडी है, इसको छान लेते हैं और प्लेट में मैंने टिश्यू पेपर लगा दिया है और उसमें रख लूँगी ऐसे थोड़े से उसको अच्छे से। अच्छा ला रही हूँ, इसको ऐसे रख दी और उधर हस्बैंड मांग भी रहे हैं कि जल्दी दो। और देखिए अभी मैं इसको तोड़ के दिखाती हूँ कितनी क्रिस्पी ये पूरे। पहले पकोड़े को डाल लेते हैं तब दिखाते हैं आप लोगों को कि कितनी टेस्टी और क्रिस्पी बनी हुई है पकौड़ी। ये देखिए मैं क्या की हूँ, गैस का फ्लेम जो है मीडियम कर दी हूँ और गोल गोल सा जो 4 उंगली जो आगे का होता है उतने में निकाल ली हूँ, उसको फिर चिपटा कर दे रही हूँ। ज़्यादा बड़ा नहीं करना है, छोटा छोटा जो मीडियम साइज, ज़्यादा बड़ा नहीं होना चाहिए। और इसको मीडियम आँच पर पकाना है। अभी तेज आँच आप लोग कर देंगे तो क्या होगा कि ऊपर से जल जाएगा अंदर से कच्चा ही रह जाएगा, तो मीडियम आँच में ही रहेगा कि अच्छे से वो पक जाएगा। और मैं फ्लेम इस कहानी को रखती हूँ और इसी तरह पकता रहेगा, फिर उलट पलट करके इसको कर दूँगी। और तेल देखिए मैंने कम लिया है, इस वजह से जब कढ़ाई में ज़्यादा तेल रहता है तो बच जाता है, फिर उसमें भी कोई चीज़ आप छानिए या फ्राई करिए तो वो स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होता है। तेल उतना ही लिया जाए जितना यूज में हो, इसीलिए मैंने कम तेल लिया है। तो चलिए दिखाती हूँ पकौड़े कितने क्रिस्पी बने हैं, उसको तोड़ के दिखा देती हूँ। देखिए अभी तोड़ देती हूँ, अंदर से भी कितने अच्छे पके हुए हैं, बहुत ही टेस्टी लगता है कि इतना अच्छा। मेरा तो बहुत पसंद है, मैं बहुत खाती हूँ, पहले तो बहुत बनाती थी, अब थोड़ी थोड़ी कम कर दी हूँ क्योंकि बच्चे पढ़ने जाने लगे हैं तो काम भी थोड़ा सा बढ़ गया है, उसके हिसाब से जो है मैं कम कर दी हूँ। अब देखिए ये भी खानी हो गया है। आप लोग को ये बताना चाहती हूँ कि जो तेल अगर आप लोग कढ़ाई में ज़्यादा डाल देते हैं कोई चीज़ छानने के समय, तो जब वो तेल बचता है तो उसका दोबारा अगर आप लोग यूज़ करते हैं तो
उसमें क्या करिएगा कि आधा नींबू काट के डाल दीजिएगा, वो तेल रिफ्रेश हो जाएगा। बट एक से दो बार यूज कर सकते हैं बचे हुए तेल का, बार बार यूज करेंगे तो वो तेल जो है ख़तरनाक हो जाता है। क्योंकि आजकल जो पैकिंग वाले तेल आते हैं, ज़रूरी नहीं है कि हर तेल जो है अच्छे ही हो, उसमें बहुत सारे मिलावटें भी हो रही हैं। तो इसी तरह मैं इसको छान ले रही हूँ, ये भी रेडी हो चुका है, अच्छे से इसको निकाल ले रही हूँ। देखिए इसके तेल सारे नीचे गर चुके हैं और मैं टिश्यू पेपर में रख दूंगी। ये भी रेडी हो चुका है। इसी तरह सारे पकौड़ों को मैंने रेडी कर लिया है और मैं चाय इंडक्शन पे रख दी हूँ। जितने लोगों को पीना है, वैसे घर में कुछ लोग बिना चीनी के भी पीते हैं और कुछ लोग चीनी वाला भी पीते हैं, कुछ लोग काले चाय भी पीते हैं। तो देखिए पकौड़ी कितनी अच्छी दिख रही है, आइए आप लोग खा लीजिए और बहुत ही यम्मी और टेस्टी है। मैंने ये तेल जो थोड़ा सा बचेगा तो शाम को मैं सब्जी में यूज कर सकती हूँ, बट बचेगा नहीं जितना मैं क्वांटिटी में ली हूँ। देखिए मैंने चाय छान दिया, हस्बैंड मांग रहे थे उनको पहले दे दूँ। आइए आप लोग भी खा लीजिए, प्लेटिंग कर दी हूँ और दिखाती हूँ शादी के जो व्यू है वहाँ का। अब सफ़र में हम लोग चल रहे हैं, अब कुछ दिन में पहुँचने वाले हैं। बीच बीच में बच्चे भी परेशान कर रहे थे, तो ये वहाँ का व्यू है। हम लोग पहुँचने वाले थे, बस जो जहाँ का शादी है वहाँ का ढूंढ रहे थे, बहुत ज़्यादा ट्रैफिक भी था तो भीड़ भड़का से निकलते हुए सारे जगह का व्यू देखते हुए, देखिए कितनी हरियाली है, बहुत अच्छा लग रहा था इन सारी चीज़ों को देखते हुए। और सभी लोगों ने रास्ते में खूब सारी बातें किए, मस्ती भी किए। बच्चे तो वो बच्चे होते हैं, उन लोगों को तो ज़्यादा देर बैठना उचित नहीं लगता, वो लोग चाहते हैं तब गाड़ी सफ़र का जो जहाँ हम लोग जा रहे हैं वो जल्दी आए और हम लोग थोड़ा सा टहलना घूमना शुरू करें। बीच बीच में कई जगह हम लोग रुके भी हैं, नाश्ता पानी भी किए हैं, जो कुछ अलग मिले, डिफरेंस मिले उस टाइप का। फिर यहाँ पे हस्बैंड क्या करते हैं, रोक देते हैं क्योंकि यहाँ का बहुत ही फेमस है सारी चीज़। अब ये लोग जाएंगे गाड़ी से उतर के, वहाँ से लेकर आएंगे, मैं गाड़ी में बैठ जाऊँगी, मम्मी भी हैं पास में, तो हम लोग गाड़ी में ही खाएंगे क्योंकि वहाँ पर दुकान पर ज़्यादा भीड़ रहती है, बहुत ही फेमस है यहाँ पे, जो है लाइन लगती है खाने के लिए। और मैंने हस्बैंड से कहा कूलर वाली चाय ले आइएगा और एक समोसा ले आइएगा, बट और सारी चीज़ें नहीं चाहिए, काफ़ी टाइम लग जाएगा, उन लोग बना के देंगे थोड़ा। और इधर देखिए शादी में हम लोग पहुँच चुके थे और हस्बैंड क्या कर रहे, बच्चों के साथ इंजॉय कर रहे थे, बच्चे थोड़ा सा जो है खुश हो जाए, वो सारे बच्चे जो है उठ गए थे, उन्होंने क्या किया थोड़ा बच्चों को घुमा लिया, मैं बैठी थोड़ा अपना सीट लेके, क्योंकि उधर सबसे मेल मिलाप हो चुका था। इधर मैं इंटर कर रही हूँ जब आ रही थी बच्चों को लेकर। और इसी तरह शादी का सारा व्यू है। आप लोग वीडियो को लाइक कमेंट सब्सक्राइब करिए, इसी तरह वीडियो और देखना चाहते हैं तो प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा। और बताइए आप लोग मेरी वीडियो कहाँ कहाँ से देख रहे हैं और मेरी वीडियो कितना सपोर्ट करिए कि मुझे थोड़ा सा उत्साह मिले, कि मुझे लग रहा है कि मैं वीडियो अच्छा बना रही हूँ कि नहीं बना रही हूँ, मैं अच्छे से काम कर रही हूँ कि नहीं कर रही हूँ, प्लीज़ सपोर्ट मी। और ये शादी जहाँ मैं गई थी वहाँ का व्यू है, बहुत ही अच्छा लग रहा था, सभी लोगों से मेल मिलाप हो चुका था, हम लोग भी यहाँ पहुँच चुके थे और जो है इस तरह से हम लोगों ने शादी इंजॉय किया। फिर उसके बाद हम लोग घर आए, मुझे टाइम ही नहीं मिल पाया मैं वीडियो पोस्ट कर पाऊँ, क्योंकि कल ही हम लोग निकले थे तो आज जो है शाम तक हम लोग आए। देखिए मैं यहाँ बैठी हूँ और ये सारे लोग हैं जो हमारे रिलेटिव हैं, और ये स्टेज सजा हुआ है ग्रूम और ब्राइडल के लिए, तो ये सारे डीजे वगैरह हैं वहाँ पे, डांस वगैरह ये सारी चीज़ें होंगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।